जरा सोचिए, आपको उस जुर्म की सजा मिले जो आपने किया ही ना हो। कुछ ऐसी कहानी है किशन मोहन गिरोत्रा की, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। समझ तो आप गए होंगे, हम बात कर रहे हैं लखनऊ सेंट्रल की। फरहान और डायला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान, ये फिल्म जो है, ये भी एक रॉक बैंड, जब रॉक बैंड का जिक्र होता है ना, कहीं पर भी आपका नाम सबसे ऊपर आ जाता है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब एक तो खुशी है अगर ऐसा होता है, मुझे पता नहीं अगर होता हो या ना हो, लेकिन ये फिल्म में रॉक बैंड नहीं है, ये फिल्म में जो कहते हैं देसी बैंड है एक। और किशन मोहन गिरोत्रा जो है वो मतलब एक क्लासिकल म्यूजिशियन है, वो चाहता है कि फिल्मों में वो संगीत दें, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थिति हो जाती है जो बेचारा अपने आप को जेल में पाता है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद हमेशा रहती है। और जो एक सपना था कि म्यूज़िक के ज़रिए जो खुशी वो अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता था, वो मिलेगा, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके लिए जो प्लान बनता है, वो प्लान क्या है उसके लिए। अच्छा, मुझे लगता है आपके फैंस के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि फिल्म में आपका एक भी गाना नहीं। मतलब ये जो संगीत है इस फिल्म की, मतलब कुछ अलग संगीत है, जिस तरह का संगीत मैं लिखता हूँ, जो परफॉर्म करता हूँ, वो अलग किस्म का है। तो हमें लगा कि इस फिल्म के लिए जो सही संगीतकार हैं, जो सही गायक हैं, उन्हें यूज़ करना चाहिए, तो इसी। अच्छा डायला, आप अपने रोल्स के साथ काफ़ी चूजी हो गई हैं, फिल्म्स को लेकर काफ़ी चूजी हो गई हैं, नीला हो, हैप्पी हो, और आप गायत्री हो, और आगे फरमा दें, क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी ज़्यादा चूजी हो गई है या फिर लाइक टू वॉट चूज? इट्स अ पर्सनल चॉइस नॉट टू वॉन्ट टू वेट फॉर समथिंग दैट रियली इंटरेस्ट मी, दैट हैज मी एक्सट्रीमली इनग्रॉस्ड, एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे टू डू इट, इट्स जस्ट दैट दिस इज my path and my journey, and I want to play roles that are different, and I want to play, be part of stories that are different, you know, that have a very strong storyline. And if that takes a little longer to find, then so be it, you know, I've made my peace with it. I've accepted the fact that I might not do 5 films a year, but that's okay. It's just my way, I guess. Farhan, when I was researching the interview, I saw that you were in Lucknow. I've heard a lot about Lucknow when I was growing up. बचपन की जब वो बात करती थी अपने बचपन के बारे में, अपने फॉर्मेट भी उसके बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में, और मैं लखनऊ गया भी कई बार गया हूँ, लेकिन खैराबाद पहली बार इस साल गया, और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, जो मेरे एंसेस्टर्स का घर है, जो परदादाओं का घर वहाँ पर अब आज भी है, वहाँ पर एक ग्रेवयार्ड है जिसमें बहुत से मेरे फॉर एंसेस्टर्स जो है वहाँ बिन बैरिड है, तो एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस रहा। और जो लोग हैं वहाँ, जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली आज भी वहाँ खैराबाद में रहती है, जो आपकी चैनल भी देखते होंगे, तो मतलब बहुत प्यार मिला उनसे, बहुत खुशी हुई उन सब से मिलकर, बड़े बुजुर्ग जो थे, बच्चे जो थे, सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और बस अभी उम्मीद करूँगा कि दरवाज़ा खुल गया है इस पहली विजिट के साथ, और अब आना जाना लगा रहे। फरहान, अपने किरदार में घुस जाते हैं, मतलब एकदम खो जाते हैं, और इस किरदार के लिए आपने कितनी रिसर्च की? आप उस बैंड के साथ भी, बैंड के साथ भी मिले, तो कितना पूरा रिसर्च होता है? बात ये थी कि असीम अरोड़ा जी जो हैं राइटर इस फिल्म के, रंजीत तिवारी हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की हुई थी मुझसे मिलने से पहले। तो जब मैंने कहानी सुनी, जब मैंने उनसे कहा कि मैं डेफिनेटली ये फिल्म करना चाहूँगा, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे वीडियोज़ दिखाए, बहुत सारी रिसर्च जो उन्होंने की थी मुरादाबाद के बारे में, वहाँ के जो लड़के हैं वो किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, किस तरह से वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उनके बोलने का अंदाज़ क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की हुई थी। फिर एक डायलॉग कोच भी था उनके साथ, जो जिसके साथ मैंने डायलॉग्स पे काम किया। तो ज़्यादा मुझे मुझे खुद जाके रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ था। और जेल का जो जहाँ तक जेल का लेना देना है, मतलब किशन मोहन गिहोत्रा जो है इस फिल्म में, आप उसे जेल जाते हुए देखते हैं, तो वो भी मतलब जेल के बारे में उतना ही जानता था जितना मैं इस फिल्म के से जुड़ने से पहले। तो थोड़ा बहुत मैं चाहता था कि हाँ, थोड़ा बहुत मैं स्क्रिप्ट के जरिए तो आप सीख लेंगे कि सीन्स क्या है और क्या हो रहा है इस फिल्म में, लेकिन ये जो बाकी कलाकार हैं, वो रौनित हो जितने जेलर का रोल किया है, या फिर दीपक हो, गिप्पी हो, इनाम हो, राजेश जी हो, वो सब इतने मतलब मंजे हुए कलाकार हैं, वो कुछ ना कुछ अपने साथ नुआंस में लेकर आएंगे। तो रीडिंग्स हुई, मतलब काफ़ी, मतलब जो कहते हैं फ्लैट रीडिंग्स, ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हुई रीडिंग्स थी, एक दूसरे को जानना ज़रूरी था। लेकिन मैं चाहता था कि जब मैं वहाँ सेट पर जाऊँ, तो जो एक डिस्कवरी किशन की हो रही है जेल में, कि किस तरह का ये माहौल है, किस तरह के लोग हैं, वो मेरे साथ भी ऐसा ही हो जब मैं सीन्स में परफॉर्म करूँ। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू नॉट रिसर्च दैट टू मच, और उम्मीद करता हूँ कि मतलब दैट हैज़ वर्क्ड। म्यूजिक की बात की जाए, म्यूजिक काफ़ी पसंद किया जा रहा है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा
मैंने वो देखा है कि एक कबूतर में आप लोगों ने अच्छे से मतलब आपकी बहुत वाट लगी है, मतलब इतना आप लोगों ने जो म्यूजिक जो था म्यूजिक को लेकर, क्योंकि आप म्यूजिक की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक गिटार का इस्तेमाल किया गया है अगर जी, बिल्कुल सिर्फ एक गिटार उन्होंने यूज किया है, बाकी सारी जो न्यू प्रोडक्शन में आप सुनते हैं आवाज वो या तो आवाज से निकाले गए हैं या फिर बॉडी परकशन से किए गए हैं या फिर कुछ बॉक्सेस को लेकर या स्टिक्स को लेकर, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा गाना क्रिएट किया जाए, क्योंकि सिचुएशन भी ऐसा है उनके पास ज़्यादा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं उस वक्त, तो वो नहीं चाहते थे कि सडनली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाए इस गाने में, तो बहुत अच्छी तरीके से अर्जुना जिन्होंने म्यूजिक दिया है उस गाने का, फिर क्या नाम है जाकिर साहब के भाई जो है तौफीक साहब, उन्होंने प्रकाशन किया है इस पूरे गाने का, तो बहुत एक नया किस्म का गाना क्रिएट हुआ। कोई ऐसा इन सभी गानों में से कोई ऐसा गाना हो जो आप चाहते हो कि आप मतलब अगर आपको मौका मिलता तो आप करते, कोई ऐसा? ऐसा तो है नहीं, लेकिन मैंने बात की जैसे मैंने कहा मीरे कारवां जो गाना है, मैं अब रोचक कोहली हैं म्यूज़िक कंपोजर उस गाने की, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि मैं चाहूँगा कि आगे जाकर जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करूँ अपने बैंड के साथ, तो मैं उस गाने का एक वर्जन क्रिएट करूँ, क्योंकि जो गाना है उसमें ढोलक है वो सब है जो मैं अपने परफॉर्मेंस में यूज़ नहीं करता, लेकिन उसे किस तरह से मैं एक नया प्रोडक्शन दे सकता हूँ, क्योंकि वो गाना मतलब बहुत ही सोलफुल गाना है, तो दैट सॉन्ग आई डेफिनेटली वुड लाइक टू डू ऑन स्टेज। और उसके अलावा मतलब कावा कावा जो एक मतलब इतना पॉपुलर गाना है, इतना मशहूर गाना है, मतलब हम सब पहली बार जब हमने सुना था, इतने साल हो गए उस गाने को सुनते हुए, अब ये मौका मिला है उस कि हमारे फिल्म में वो गाना है, तो उस गाने को भी परफॉर्म करना चाहिए। आखिरी सवाल जी, 15 सितंबर को फिल्म रिलीज हो रही है, सिमरन भी साथ में रिलीज हो रही है, काफ़ी सुर्खियां बटोर ही चुकी हैं सिमरन इस वक्त, तो कुछ डर है कि क्योंकि हमेशा दो फिल्में साथ रिलीज होती हैं तो किसी एक को तो खामियाजा भुगतना पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मतलब ऐसा हुआ है इतिहास में कि मतलब दो फिल्में साथ रिलीज हुई हैं, दोनों ने कामयाबी पाई है, ऐसा भी हुआ है दो फिल्में साथ रिलीज, दोनों फिल्में नहीं चली, ये भी हुआ है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मतलब हम सब एक ही इंडस्ट्री से हैं, हम चाहेंगे कि एक दूसरे की फिल्म कामयाब हो, हंसल बहुत एक अच्छे दोस्त हैं हमारे, कंगना कौन जानते हैं, तो चाहेंगे अपूर्वा कौन जानते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनकी फिल्म कामयाब हो, आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट दे विल सक्सेस। आप क्या कहना चाहेंगे रहना? आई रियली होप बोथ फिल्म्स डू वेल, दे टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स, टू डिफरेंट जॉनर्स, एंड यू नो पीपल हैव द होल वीकेंड टू वॉच बोथ, सो आई डोंट थिंक दैट यू हैव टू पिक वन ऑर द अदर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, हम उम्मीद करते हैं फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार है, थैंक यू सो वेरी मच।